ଅପରାଜୟ ଜୟଯାତ୍ରାରେ ଭାରତ ରାଇସିନା ହିଲ୍ରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଝିଅର ରାଜ ସତ ହୋଇଛି ଆକଳନ। ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ଏକପାଖିଆ ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଦେଶର ମହାମହିମ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିର ଏହି ମହିଳା। ପଞ୍ଚଦଶ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ହୋଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ। ଜୀବନର କଷ୍ଟ ସଂଘର୍ଷ ବାଧା ବନ୍ଧନକୁ ଭେଦି गरीबी और सबु असुविधा को सामना करी केमिति सफलतार शीर्षे पहुंची हुए रायरंगपुर रायसीना हिल रो सफल यात्रा करी द्रौपदी एही वार्ता देछन्ते। एहा ही न्यू इंडिया रो नुआ दिशा। राष्ट्रपति निर्वाचन नहीं विधिवत भावे घोषणा करिथिले राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी। द्रौपदी मुर्मू को 64.03% भोट मिलता बेले जशवंत को मिली 35.97% भोट। द्रौपदी को मिली 2824 खंड भोट और जशवंत को मिली 1877 भोट। द्रौपदी भोट मुर्मू भोट्र मूल्य 76803 जशवंत सिन्हा भोट्र मूल्य 380177। राष्ट्रपति निर्वाचन में पड़ा 4754 खंड भोट से 53 भोट नाकच होता। आसंता 25 में राष्ट्रपति भाव शपथ ग्रहण करेंगे द्रौपदी मुर्मू। जो बैलेट बॉक्स पार्लियामेंट में यूज किए गए उन्हें पहले खोला गया, उसके बाद क्रमवार जो स्टेट्स के बैलेट बॉक्सेस थे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनको खोला गया और काउंटिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। कुल मिलाकर 4754 वोट्स पोल हुए, जिसमें से 4701 वोट्स वैलिड थे और 53 इनवैलिड थे। इसी के आधार पर कोटा तय किया गया, जिसकी संख्या थी 5,28,491। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को 2,824 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स मिले, जिनकी वैल्यू थी 6,76,803। 1,877 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स श्री यशवंत सिन्हा जी को मिले, जिनकी वैल्यू थी 3,80,177। चूंकि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को रिक्विजिट कोटा से अधिक संख्या में वोट प्राप्त हुए, मैंने रिटर्निंग ऑफिसर की हैसियत से यह ऐलान किया कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अगली राष्ट्रपति होंगी। यह पूरी सूचना इलेक्शन कमीशन को दी जाएगी फॉर्म नंबर 7 के जरिए, जिसके आधार पर सर्टिफिकेशन ऑफ इलेक्शन ऑफ श्री द्रौपदी मुर्मू जी एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वुड बी डिक्लेयर्ड। गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी का इंसान भारत महान का राष्ट्रपति बन सकता है, सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है किसी भी देश का। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी खुशी देशवासियों के लिए और कुछ नहीं हो सकती है आज के दिन। और द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई देने के लिए हम लोग यहां पर आए थे, उनको पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति के चुनाव में विजयी हुई हैं, पूरा देश में उल्लास का वातावरण है। मैं अपनी ओर से द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद पर विजयी होने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके दीर्घकालिक जीवन स्वस्थता से जिए और अपने दायित्व का निर्वहन करें, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज भारत की राजनीति में, भारत की लोकनीति में और भारत के लोकतंत्र में ऐतिहासिक दिन है। 75 साल बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच कि एक ऐसी नेत्री जो आदिवासी समाज की बेटी है, बहन है, जो अपने तमाम संघर्षों के बावजूद अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ती है,
व्यक्तिगत पीड़ा के बावजूद आगे बढ़ती है, अच्छे विधायक बनती है, समाज सेवी बनती है, शिक्षिका बनती है, राज्यपाल बनती है और आज देश की राष्ट्रपति, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, ये भारत में संभव है और ये मोदी जी की समावेशी सोच के कारण संभव है। लेकिन मैं जो बड़ी बात आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी समाज के बंधु, उनके लिए आरक्षण तो है ही है, लेकिन वो अवश्य चाहते थे हमें कोई ऐसा प्रतीक मिले कि हमें इस बात का की अनुभूति हो कि भारत के लोकतंत्र में हमारी सुनवाई भी है और हमारा सम्मान भी है। और आज के दिन श्रद्धामना द्रौपदी मुर्मू जी की विजय से वो स्थापित हो गया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं वो बहुत ही योग्य राष्ट्रपति साबित होंगी, हमें पूरा विश्वास है। बहुत बधाई, बहुत अभिनंदन। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, खास तौर पर महिलाओं के लिए। एक ऐसा इतिहास रचा गया है, मेरा तो मानना ये है, ये पंडित दीनदयाल जी की जो विचारधारा थी आज वो चरितार्थ हो रहा है। एक ऐसे समाज से आने वाली महिला महामहिम के पद पर, एक सर्वोच्च पद पर आज निर्वाचित हुई है। जिन पार्टियों ने सपोर्ट किया उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक महामहिम आदरणीय द्रौपदी जी नारी समाज के लिए प्रेरणा है, कितने संघर्षों के बाद आज सर्वोच्च पद पर पहुंची हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामना भी देती हूं संत होने के नाते उनके भविष्य के लिए, और उनके कार्यकाल में भारत एक अच्छा प्रदर्शन करेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करती हूं जिनके सोच के कारण आज एक अंतिम पंक्ति पर बैठी हुई महिला, जब मैं बात कर रही हूं तो अंदर से मुझे एक अलग सी अनुभूति हो रही है कि क्या ऐसा भी हो सकता है।